लीगल नैनी की तरफ से आज खुशबू नंदा के अध्यक्षता में आदित्य कॉन्टिनेंटल में स्टेट लेवल का सेमिनार कराया गया। इस सेमिनार में पंजाब के अलग अलग भागों से आए हुए स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और लीगल नैनी की टीचिंग स्टाफ ने स्टूडेंट्स को नैनी के बारे विस्तार से जानकारी दी। इस सेमिनार के दौरान लीगल नैनी के डायरेक्टर खुशबू नंदा ने उन स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी स्टडीज में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। लाइव भारत न्यूज से किशोर रैना की स्पेशल रिपोर्ट। जी मैं लीगल नैनी सर्विसेज की डायरेक्टर हाँ। साड़ियाँ पांच ब्रांचेस चल रही हैं, अमृतसर, जलंधर, मोहाली, पटियाला और रैया। और साडा जिन्ना भी कॉन्सैप्ट चलता है इतने असं कैनेडा वर्क परमिट PR दवाने और सारे पैसे वीजा लगन तो बाद लें। सो साडा जो सैमीनार से साडे अपने स्टूडेंट दी क्लासेस से जिहड़ा असं नैनी कोर्स करवा के असं बाहर भेजते हैं स्टूडेंट्स नूं। सो विद फैमिली वर्क परमिट हों कैनेडा का, सो वो बारे असं सैमीनार लाया। मोस्ट प्रोबली बड़िया ब्रांचिज ने जिहड़ियां बाहरों बंदे बुला के सैमीनार करते, साडे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे से जिहड़ा 350 की रेशो से बच्चों की उन्होंने सैमीनार किया गया अज अमृतसर। सो ये श्योरिटी सर ये मोस्ट प्रोबली बहुत एजेंट्स ने जिहड़े सो कहिंदे जरूर ने पर कर नहीं सकते है ना। सो ये है कि तुसीं एक वारी साडियां ब्रांचिज जिहड़ा भी इंट्रस्टिड सानूं देख रहा वो एक वारी जरूर विजिट करे, जो उन्होंने कुछ अच्छा लगेगा तो एडमिशन लवे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साडे ऑफिस चो कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। बहुत दूर दूर तो मेरे को मलेशिया, सिंगापुर, इटली तो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम के उत्ते। सर मोस्ट प्रोबली ना वर्क परमिट लगता सिंगल बंदे का है ना, असं लवाने विद फैमिली। विद फैमिली नैनी बेस वीजा होंदा है जिहड़ा कि पहला बहुत टाइम तो 1990s तो चलता आ रहा है। ये पायलट प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम के 5 साल के बाद जिहड़ा प्रोग्राम चेंज होंदा। इस बार जो 2019 च प्रोग्राम आया ये 24 तक चलना है। ये विद फैमिली कैनेडा वर्क परमिट करवाने असं, तो सो सारे पैसे वीजा लगन तो बाद लें। इस तो बाद श्योरिटी असं कुछ दे नहीं सकते है ना, एक बार ब्रांचेस से विजिट करके ही क्लाइंट श्योरिटी हो सकती है। वो प्रोफाइल देखने के नाल ही मैं दस दाँगी कि वह काम बन सकता या नहीं बन सकता, चाहे वह जिन्नी मर्जी रिफ्यूजल्स हो आइल्स तो बैंड नहीं आ सकते तो भी अप्लाई कर सकता वा। ठीक है हेलो, आई एम निर्मल, आई एम स्टूडेंट ऑफ नैनी लीगल नैनी सर्विस एंड माई एक्सपीरियंस विद लीगल नैनी सर्विस वेरी गुड एंड दिस स्टाफ इज वेरी पोलाइट एंड सिंसियर एंड ऑनेस्ट टूवर्ड्स द मैम एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम स्टूडेंट ऑफ लीगल नैनी सर्विस। थैंक यू सो मच। हेलो, माई नेम इज गुरप्रीत कौर, आई एम मैं स्टूडेंट हाँ लीगल नैनी इंस्टीट्यूट की। इतने मैम बहुत वधिया पढ़ाते हैं। पहले मैं नैनी कोर्स किया, बाद विच मैं आई स्टार्ट की हूँ, तो खुशबू नंदा मैम इन्ने वधिया ट्रीट करते हैं कि पूरा समझाते हैं कि किदा फाइल, सानू फाइल बारे कुछ नहीं पता सीगा कि मैम ने सारा समझाया कि किदा सही फाइल लगाना लगानी या किदा लगानी लगा सकते हो, किस तरह वह प्रोसीजर है। मैम ने डिटेल वन बाय वन मैम ने सारा समझाया वा, तो मैम बहुत वधिया कि सब ना कोऑपरेट करते हैं, मैम बहुत वधिया सब ना डील करते हैं। रणजीत मैम भी बहुत वधिया नैनी का कोर्स करवा रहे हैं कि वह मेरा हो चुका है। मेरा नाम नवप्रीत कौर है, मैं अमृतसर तो हाँ, तो मैं लाइक काफ़ी परेशान सी अपनी फर्दर स्टडीज़ में लैके या बाहर जाने के सुपने लैके, बट मैनू दसाया गया खुशबू मैम बारे इन्हों कोर्स बारे। तो यही एक नैनी कोर्स है जिदे पैसे भी घट लगते हैं, तो आप अपनी फुल फैमिली के नाल जा सकते हैं बाहर अपने अपना सुपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस तो पहला भी एक कोर्स इंस्टीट्यूट में ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली उत्थे एटमोसफेयर उन्ना वधिया नहीं सीगा, डीलिंग उन्नी वधिया नहीं सी, बट इतने खुशबू नंदा मैम सारे इंटरैक्ट करते हैं,
ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਨੈਨੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਜੈਸਟ ਦਿਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਸੇ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਥੇ ਨੈਨੀ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਟ ਮੁਝੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਲੀਗਲ ਨੈਨੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਨੈਨੀ ਕੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੰਦਾ ਮੈਮ ਨੇ ਮੁਝੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਆਗੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਪਰਪਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਗੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਆ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਮੈਮ ਹੈ ਜੋ ਨੈਨੀ ਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੇਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਬਤਾਇਆ ਹੁਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਮਝ ਆਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜਿਸ ਸੇ ਉਨਕਾ ਬਤਾਇਆ ਹੁਆ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਾ ਆਏ ਵੋ ਯੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਮੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੈਸੇ ਹਮਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੰਦਾ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਹਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੀਗਲ ਨੈਨੀ ਸਰਵਿਸਿਸ